तस्वीरें आप देख पा रहे सीधे नागटिम्बा से माता महेश्वरी की पूजा अर्चना यहाँ पर हो रही है। ऐतिहासिक जश्न जो मेले के दौरान किए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे मतियाना परगना वासी यहाँ पर आते हैं। सीडू और घी के लिए मशहूर ये मेला है। तस्वीरों पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो बड़े बड़े वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सीडू लाए जाते हैं जिनका भोग चढ़ाया जाता है, उसके बाद ये वितरित किए जाते हैं। जो दूर दूर से लोग आते हैं, कोई भी जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचता है उसे सिड्डू और घी के बिना नहीं भेजा जाता है। क्या ऐतिहासिक नागटिम्बा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। माता महेश्वरी की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। बेहद पर हम है बेहद ऊंचा स्थान यह है नागटिम्बा, यहाँ कहा जाता है। माता महेश्वरी का प्राचीन मंदिर यहाँ पर है। और परंपरा से प्राचीन जो परंपरा है सदियों से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। जिस तरह से बताया जाता है कि जो बेहद जो जनश्रुति है पुरानी बात है कि राक्षस का जो कहर यहाँ पर बर पाता, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा मतियाना परगनावासियों ने माता से मन्नत की थी और माता को यहाँ लाया गया था, जिसके बाद उस राक्षस का संहार किया गया था। और तब से लेकर ये परंपरा चली आ रही है और परंपरा अनुसार यहाँ पर जो मेला किया जाता है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो सौंड है इसे बड़ी बड़ी सीढ़े यहाँ पर बनाई जाती है। मतियाना जो परगनावासी है हर घोड़ी से ये बड़ी बड़ी सीढ़े यहाँ पर लाई जाती है, इसे साउंड कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं कितने बड़े बड़े साउंड यहाँ, बड़ी बड़ी सीढ़े यहाँ पर है और एक तिरछी तिरछी हर घोड़ी से यहाँ पर दी जाती है माता के खजाने के लिए। क्वांटम के साथ यहाँ घी भी एकत्र होता है। आप देख पा रहे हैं, देखिए प्राचीन परंपरा है माँ के जाने के लिए घी अर्पण किया जाता है। हर जो घोड़ीदार यहाँ पर एक दिन की जो पहले से ही निश्चित है ये देखिए आपको खरी जाती है और ये माता के खजाने में जमा किया जाता है। और ये सिद्धू है जिसे सौंड कहते हैं। और जो लोग यहाँ पर आते हैं बाहरी राज्यों से जिन्हें उनके खाने के लिए भी भोग के रूप में इनको वितरित किया जाता है। कोई भी बाहरी राज्य से अगर लोग आते हैं वो भुखमरता रहे माता के भोग का जरूर भोग ले। हालांकि कितनी विजिबिलिटी है, स्क्रीन आपको कितनी साफ दिखाई दे रही है ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल बहुत ही कम रहता है। लेकिन फिर भी आपसे कोशिश कर रहे हैं आप तक तस्वीरें पहुंचाने। मतियाना जिला शिमला की तहसील ठियोग के मतियाना परगना में माता महेश्वरी इस देवठी में इस मेले को मनाया जाता है। मतियाना से अगर हम बात करें काफी ऊंचाई पर मतियाना बाजार से ये टिब्बा है। अगर आप देखेंगे तो मतियाना के टॉप पर जिसे मतियाना का ताज भी कहा जाता है इस नाग टिब्बे को। और लगभग मतियाना रौड़ी में जहाँ पर जातर होती है वहाँ से 2.5 से 3 घंटे का पैदल रास्ता ऊपर आने का यहाँ तक है। केवल मात्र इस मेले में जो पुरुष होते हैं पुरुष ही यहाँ पर आते हैं, जो परंपरा है महिलाएं यहाँ पर नहीं आती है। और बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ पहुंचे हुए। और इसके बाद हम आपको बताते चले, इसके बाद पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर भोग चढ़ाया जाएगा सिद्धू और घी का। उसके बाद नीचे रोहिणी की अगर बात करें, रोहिणी में जातर का आयोजन किया जाता है। रोहिणी में ये मेला लगभग 2:30 बजे से फिर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जो पूजा का क्रम था यहाँ पर पूरा हो चुका है। नागटिम्बा से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो क्षेत्र के लोग हैं लगभग पूरा परगना सहित अन्य क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर जरूर आते हैं और हर
घर से हर होली से यहाँ पर पहुँचते हैं लोग। सुंदर दृश्य है, बेहद शानदार नजारा है। आप देखिए दूर दूर तक जो जंगल है, जंगल में बड़ी संख्या में लोग बैठते हैं। बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान ये नागजिम्बा है और मन को सुकून और मन को शांति स्वतः ही मिल जाती है। ऐसे स्थानों पर आकर जो दैविक और धार्मिक स्थान है, मन को सुकून जोर मिलता है स्थानों पर आकर। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कितनी ऊंचाई पर हम हैं। तस्वीरें दिखाने की यहाँ से आपको कोशिश करेंगे। ये देखिए आप, ये जी नीचे को सामने दिख रही है शिकारू गली, कितनी डाउन में यहाँ से दिख रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हाइट पे इस समय हम होंगे। और ये देखिए नीचे छड़ी मतियाना मंदिर, और इस साइड को हालांकि पेड़ है, विजिबिलिटी बेहद कम है। ये रोनी मुत्याना काफी नीचे दिखाई दे रहा है और घने घने जंगल दूर दूर तक की पहाड़ियां यहां से दिखाई देती है, काफी ऊंची चोटियां यहां से दिखाई देती है। और जिस तरह हमने आपको बताया था कि मुख्यतः यहां सिद्धू और घी का जो चलन चलता है, लोग घरों से सिद्धू घी लाते हैं और उसको उसका यहाँ पर पूजा के बाद जो भोग लगाया जाता है। सिद्धू घी के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। पूजा का क्रम जारी है और फिर से हम आपको लाइव दिखाएंगे, लाइव तस्वीरों में फिर से हम आपको मिलेंगे। देखते रहे न्यूज 24 हिमाचल। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।